साधक के जीवन में सर्वप्रथम माला की आवश्यकता होती है, पर थोड़े दिन के बाद साधक की माला छूट जाती है। देखो दो शब्द है यहां, ध्यान देना, एक है छूट जाना और एक है छोड़ देना। छोड़ देना श्रेष्ठ नहीं है, छूट जाना श्रेष्ठ है। जब श्वास में अजपा जब प्रारंभ हो जाए तो माला छूट जाती है। प्रारंभ में तो माला की आवश्यकता है, पर जैसे जैसे साधना बढ़ती है माला छूट जाता है। पर भारत की समस्या यह है कि यहां साधना बढ़ती ही नहीं है। 20 साल पहले भी केवल हनुमान चालीसा के किताब उलट रहे थे और आज भी वही उलट रहे हैं। जैसे कोई भी विद्यार्थी किसी एक कक्षा में कई वर्ष तक नहीं पढ़ता, वैसे किसी भी साधक को अपनी क्लास बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। पर समस्या यह है कि भारत के लोगों के क्लास आज तक नहीं बढ़ पाए, क्योंकि एक महीना माला जपेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर जब मन इधर उधर हो जाएगा संसार वाले थोड़ा दुखी करेंगे, आपके हिसाब का दुनिया में नहीं होगा, तब फिर माला जपने लगोगे। तो कभी पकड़े कभी छोड़े, कभी पकड़े कभी छोड़े, साधना आगे बढ़ ही नहीं पाती है। स्थिति तो अजपा जप वाली हो जाए कि जब माला छोड़ना ना पड़े, श्वास के साथ नाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाए। ये साधना जिसकी हो जाए उसको मृत्यु का भय नहीं लगता, क्योंकि जो सांस के साथ है वो सांस के बाद भी रहेगा। जो श्वास के साथ सुमिरन बन गया, श्वास नहीं रहेगी तब भी सुमिरन बना रहेगा। हमारे अयोध्या में एक संत थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर का हर अंग काम करना बंद कर दिया, पर उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए तो उनके हाथ की जो माला थी, माला तो नहीं थी पर उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे चल रही थी 90 वर्ष की अवस्था में। डॉक्टर से पूछा गया कि इनका कोई शरीर कार्य नहीं कर रहा है, इनकी चेतना कार्य नहीं, फिर ये उंगली कैसे चल रही है? डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी, इनका जो चिंतन है ये इनके अंतःकरण में चला गया है। ये मस्तिष्क हमारे शरीर को तो पूरी तरह स्तब्ध कर सकता है, पर जिसका चिंतन अंतःकरण में हो जाए, श्वास और प्राण के साथ जुड़ जाए, फिर शरीर नहीं भी चलेगा तो उसकी क्रिया प्रारंभ रहेगी। जैसे कमरे में सोते हुए 10 व्यक्तियों में से आप जिसका नाम लेते हो आंख उसी की खुलती है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना में यह बात समाहित है कि यह नाम हमारा ही है। जबकि साधना जब उस कोटि पर पहुंच जाए, यह केवल वाणी की साधना न रह जाए, यह केवल हाथ का साधना न रह जाए, यह केवल कर्म का साधना न रह जाए, यह साधना हमारी स्वतः बन जाए, जब करना न पड़े, जब होने लग जाए। और होने का नाम ही भक्ति है, करने का नाम भक्ति थोड़ी है। वो तो आज आए हो घूमने टहलने, गए गंगा जी पर और माला देखा, झोरी देखा, खरीद लिया, सबको जपते तो तुम भी हाथ डाल के बैठ गए, बगुला भगत, जैसे यहां से गए माला वाला कहां चली गई पता ही नहीं। फिर कभी 2-4-5 साल के बाद घूम कर आए, फिर देखे लोगों को, ओहो अच्छा ये सब भी होता है, लाओ, पोता पाती किया, राधे राधे लगा लिया, फिर माला ले लिया। ये होता है करना, और एक होता है होना, उसे भक्ति कहते हैं। तो राजन, सबसे पहले भगवान के चरणों में अपना मन लगाओ। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ये मन ही तो नहीं लगता भगवान के चरणों में।
ये कितना चंचल है। बैठे हैं कथा में और मन घूम रहा है गंगा जी के किनारे। दो चार लोगों का भले यहां पर हो, बाकी लोगों का तो घूम ही रहा है। ये मन कैसे लगाया जाए? कि मन पर किसी का भरोसा, किसी का अधिकार होता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, पर मन रुकता कहां है? सवेरे सवेरे पूजा करने जब बैठो तो दुनिया के सारे काम उसी समय याद आते हैं। कहां झाड़ू लगाना है, कहां पोछा लगाना है, कहां ताला बंद करना है, कहां क्या करना है, पूजा के समय सारी बातें याद आती हैं, क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। कैसे मन एकाग्र हो? कोई उपाय है इसका? भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। अर्जुन ने कहा, मनः हि चंचलम कृष्णः। ये मेरे बस में है कहां जो आपके चरणों में लगा दूं? यहां जितने लोग बैठे हो, क्या आप लोगों का मन आपके बस में है? बिल्कुल नहीं है। ये मन मनी राम बहुत चंचल है, घूमते रहते हैं। कोई ऐसी साधना बताओ ना प्रभु कि मन भगवान के चरणों में लग जाए। तब भगवान के चरणों में मन लगे, इसके लिए चार बातों का ध्यान देना है। परीक्षित, ध्यान से सुनो। जो इन चार बातों का ध्यान देता है उसका मन भगवान के चरणों में लगता है। पहली बात, जितासनो जित स्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं सुखदेव स्वामी। मन भगवान के चरणों में लगे उसके लिए चार बातों की आवश्यकता। सबसे पहली बात, आसन की सिद्धि, बैठना सीखो। और आज भारत में सबसे ज्यादा समस्या बैठने की है। डॉक्टर कहता जमीन में बिल्कुल मत बैठना, कुर्सी पे बैठो। तो क्या कुर्सी पे बैठने पे घुटने का रोग ठीक हो जाएगा? नहीं, दवाई जिंदगी भर खाते रहो और जमीन पर नहीं बैठना है। पहली सिद्धि किसकी है? आसन की सिद्धि। जिसको बैठना नहीं आता उसका मन कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता। ध्यान से देख लेना। और जितने लोगों का ध्यान लगता है, जितने साधन अवस्था में होते हैं, सबसे पहले उन्हें बैठना आता है। अपना मेरुदंड सीधा करके एकाग्र चित होकर एक कमरे में कम से कम 5 मिनट बैठने का अभ्यास रोज करो। अगर भजन साधना करना चाहते हो तो, और किताब पलटना चाहते हो तो फिर कुछ भी ना करो। आप चाहते हैं कि आपका मन एकाग्र हो, एकाग्र चित्त हो करके अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करने वाले लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जिनको साधना में अपना कदम आगे बढ़ाना है, जो थोड़ी साधना में साधक आगे जाना चाहता है, अपना क्लास बढ़ाना चाहता है, उसको सबसे पहले बैठना सीखना होगा। सबसे पहला वाक्य है जीतो सना, अपना आसन जीतो। और वैसे भी डॉक्टर का कहना मानते हो तो दवाई खाना ही पड़ता है, ना मानो तभी खाना ही पड़ेगा। तो एक काम करना, घर जाके कमरे में 5 मिनट आसन पर बैठना, ध्यान लगाना सीखना। अब किस आसन पर बैठे ये भी बड़ी बात है।
संपत्ति की कामना रखने वाले लोग ऊन के आसन पे बैठे हैं, जिनको धन चाहिए, जिनको भगवत प्रीति चाहिए वो कंबल के आसन पर बैठे हैं। जो अपनी कामनाओं की पूर्ति करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं वो कुश के आसन पर बैठे, चटाई पर, कुश की चटाई बनती है ना, प्लास्टिक वाली नहीं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग आसन का प्रयोग करें, बिना आसन के पूजा के समय नहीं बैठना चाहिए। और ध्यान रखना है कि आसन के बाहर हमारा कोई भी अंग ना हो, और कदाचित चला जाए तो उसके लिए आचमन किया जाता है। इन बातों को जो ध्यान रखता है, सबसे पहली बात अपने आसन को जीतना। जितो सना जित श्वास, दूसरी बात अपने श्वास को जीतो। अभी आपने देखा कोरोना में सबसे बड़ी बीमारी किसकी हुई, श्वास की। मोबाइल में एक ऐप आता था कि जितने सेकंड तक कोई श्वास रोक ले तो समझ लो कि वो स्वस्थ है, ऐसे सारे नाटक हुए ना। पर कितने वर्ष पहले ये सब बातें इसमें लिख दी गई, पर कोई पढ़े तब तो, उसको व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं है। पान के पत्ते की तरह जब देखो मोबाइल ही फेंटता रहता है। घर में रखे हुए ग्रंथ कौन पढ़ता है। कितने वर्षों के पहले यह बात कह दी गई कि अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो, अपने लंग्स फेफड़ों को मजबूत करो, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना रूपी बीमारी आएगा। अपने श्वास को जीतो, कुंभक, रेचक, पूरक और प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। कम से कम धीरे धीरे करके एक मिनट तक अपने श्वास को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ये बातें आध्यात्मिक रूप से मानो तो मानो, नहीं तो स्वास्थ्य के रूप से मान लो। जीने की आकांक्षा रखते हो, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो उसके रूप में मान लो। श्वास पर विजय तब प्राप्त होगा जब आप बैठना सीख जाएंगे। पहले बैठना सीखो, फिर श्वास पर विजय प्राप्त करो, और तीसरी बात है कि अपने संग को जीतो। हमेशा अच्छे लोगों का संग करो। जो प्रपंच करने वाले और खुराफाती लोग हों उसका संग न करो। और खासकर तीर्थ यात्राओं में ऐसे लोगों के साथ कभी न जाओ जो परेशान आत्मा है। कुछ आत्माएं व्याकुल भारत होती हैं, वो न तो खुद चैन से रहेंगी ना तुमको रहने देंगी। अरे यहां चलो, अरे वहां चलो, अरे ये करो और वो करो, और यहां क्यों चले आए, वहां चलते तो भगवान साक्षात खड़े थे, बस मिलने वाले थे। ऐसे लोगों के साथ यात्रा कभी ना करो। जिनका जिनका चित्त शांत न रहे उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। शांत चित्त प्रवृत्ति व्यक्तियों के साथ रहना सीखो, नहीं तो स्वयं में जो व्याकुल है, परेशान है, उसके साथ रहोगे तुम भी परेशान हो जाओगे, यात्रा का आनंद ही नहीं ले पाओगे। वो जब देखोगे परेशान, अरे आज वहां जाना था और कथा में लेट हो गई, नहीं तो आज गए होते, भगवान आज प्रकट हुए थे, मिल जाते। ऐसी आत्माओं से भटकती हुई थोड़ा सावधान रहो। जो परम शांत आनंद निर्मल मन से रहने वाला व्यक्ति, जो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहे, ऐसे व्यक्तियों का साथ करो। जो कभी कभी पूछे क्यों कुछ भजन वजन करते हो कि केवल बस टीनोपाल लगाए घूम रहे हो कुर्ता में, कोई साधना बढ़ी, माला जपने का सहूर आया, मणियां घुमाना जानते हो आगे घुमाना है कि पीछे, कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उससे जबरदस्ती संबंध बना लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लोक की नहीं, वो तुम्हारे परलोक की चिंता कर रहा है। और जो पूछे कि पैसा वैसा रखे रहना बुढ़ापे में, क्योंकि माल नहीं होगा तो बच्चे सेवा नहीं करेंगे, तो बड़े बड़े माल वालों को देखना
हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आदमी थे राजधानी लखनऊ में, वो बिना पानी के मर गए, क्योंकि नौकर का शिफ्ट चेंज होने में जो समय लगा उसमें वो प्यास से मर गए, कोई पानी देने वाला नहीं हुआ। पता लगाया गया, जांच हुई तो कहा शिफ्ट चेंज होने में जो नौकर आने वाला था उसको आने में 10 मिनट लेट हो गई, इसलिए बाबूजी सीताराम हो गए। संपत्ति कितनी जिसकी गिनती नहीं। आपका परम हितैषी सच्चा मित्र और साथी वही है जो आपसे ये पूछा करे कि भैया ये सब दुनियादारी तो करते ही हो, कुछ भजन पूजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो तीसरी बात, अपने संग को जीतो और परेशान आत्माओं से थोड़ा दूर रहो। यहां तो ये हो गया, मेरा क्या होगा, इनका तो सब बढ़िया चकाचक, बच्चे भी कमा रहे, बिल्डिंग बन गया, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। भगवान लगता है हमसे नाराज है, हमारी तरफ कभी देखते नहीं है, क्या जाना मंदिर, क्या जाना हरिद्वार, हम तो यहीं ठीक हैं और हम तो ये सब करना छोड़ दिए। ऐसे लोगों के पास बैठोगे तो स्वयं तो दुखी हैं, तुमको भी दुखी कर देंगे। और जब बार बार तुमसे कहें हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो धीरे से कह देना कि तुम्हारी 13वीं संस्कार होगा और क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या होगा भाई। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि सबसे तीसरी बात है अपने संग को जीतो। शास्त्र कहता दुसंगो सर्वथा त्याज्य। कोई आदमी आपसे उधार ले ले 10-5 हजार रुपया और आप समझ जाओ कि ये कुटिल प्रवृत्ति का है, तो उसका साथ छोड़ने के लिए अपना पैसा भी छोड़ देना और उससे पीछा छोड़ा लेना। आप घाटे में नहीं रहोगे, आप फायदे में रहोगे। शास्त्रों ने बहुत इस पर जोर दिया कि हम दुष्ट का संग ना करें। इतना ही नहीं, भगवान तो यहां तक कहते हैं कि कोई मेरा भक्त हो वो नरक में रह जाए ये मुझे मंजूर है, लेकिन वो दुष्ट के साथ में रहे ये मुझे बिल्कुल मंजूर।